इसी दिन के लिए कह रही थी कि उसकी शादी कर दो, मगर नहीं, तुम लोगों को तो उसकी पढ़ाई की पड़ी हुई थी। अब तुम दोनों सोच क्या रहे हो, इससे पहले के खानदान भर में और इज्जत खराब हो, फौरन उसकी शादी कर दो। आपको तो कोई ना कोई मौका चाहिए उम्मीद के खिलाफ, और बदकिस्मती से आपको मिल भी गया। अरे ये नौबत तो आनी थी ना, अब बेटियां माँ से ही सीखती है ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, और अभी पुरानी बातों को दोबारा क्यों दोहरा रही हैं? सरमद, आप देख रहे हैं ना। बस करो मारो, मम्मी ठीक कह रही है, उम्मीद की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सरमद, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अपनी बची कुछ ही नेक नामी और इज्जत बचाने की कोशिश करो, क्योंकि उम्मीद ने मेरे एतमाद, मेरे यकीन और मेरे लाड का नाजायज फायदा उठाया, बहुत तकलीफ और दुख पहुंचाया मुझे। अब मैं मजीद किसी मुसीबत का आने का इंतजार नहीं कर सकता। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उसके लिए भी बेहतर है, और हमारे लिए भी। लेकिन सरमद, उसकी पढ़ाई, उसके ख्वाब, उसे तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। सब तबाह हो चुका है, सब। मुझे और कोई बात नहीं करनी इस बारे में। अम्मी, आप उम्मीद के लिए रिश्ता ढूंढो। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। बेकदर